मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिना दाढ़ी वाले मुस्लिम छात्र ध्यान दें, दाढ़ी काटने की मिल सकती है कड़ी सजा। वैसे तो इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत माना जाता है। दरअसल इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम ने नया फरमान जारी किया है, जिसमें कहा है कि यहाँ पे पढ़ाई करने वाला कोई भी छात्र अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएगा। अगर दाढ़ी कटवाता है तो उसको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दारुल उलूम पिछले 6 फरवरी को दाढ़ी कटवाने पर 4 छात्रों को निष्कासित भी कर चुका है। वहीं इस पे मौलाना सलीम अशरफ कासमी ने क्या बताया है, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद या इसी तरह से जो लाखों मदारिस हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, ये मजहबी हर मजहब की एक अलामत होती है। हमारे तमाम दुनिया के ऋषि मुनि भी, नेक लोग भी, अच्छे लोग भी दाढ़ी रखते हैं। और फिर हमें तो यही सिखाया जाता है कि हम पैगंबर इस्लाम की जो नबियों की अजीम सुन्नत है उसको रखे। लिहाजा अगर कोई भी तालिब इल्म दारुल उलूम ही नहीं, किसी और इदारे में भी अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ भी यही रवैया इख्तियार किया जाएगा।